नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित 24 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले बिहार शिक्षक 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदार एसोसिएशन, उसका नाम था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य क्या था? जो आपके लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के स्वार्थ का रक्षा करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दी पुना सार्वजनिक सभा के द्वारा। दी पुना सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया था। पुना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो पुना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो एमजी रनाडे और जीबी जोशी इसके संस्थापक थे, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया गया था पुना सार्वजनिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। जो भारत संघ है, इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कलकत्ता में। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्वर्ट बिल विवाद जैसे मामलों के लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। जबकि इंडियन एसोसिएशन है, इसे कांग्रेस की पूर्व संस्था बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इसमें से कौन जो है इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? आपको याद रखना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था, 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया है? तो किस वर्ष हटाया गया है? 1874 में हटाया गया है। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुआ था? तो सिलहट, आज के बांग्लादेश में इनकी नियुक्ति असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ था। 1874 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किया गया था, 1874 में किया गया था। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो उसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन उसका नाम है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1876 में इसकी स्थापना कोलकाता में इसकी स्थापना होता है, ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना होता है। कांग्रेस में इसका विलय 1886 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। और आपको याद रखना है
कि 1885 में जो है, 1885 में कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में जो है इंडियन एसोसिएशन का बैठक चल रहा था 1885 में कोलकाता में, उसी समय बंबई में जो है कांग्रेस की स्थापना होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो आपके कांग्रेस के जब स्थापना हो रहा था उसमें शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे, तो नहीं हुए थे क्योंकि उनका कलकत्ता में खुद का अधिवेशन चल रहा था इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या है, तो राजा राम मोहन राय उनका नाम है। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रम बार आपको सजाना तो सजा लीजिएगा, जो बॉम्बे एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुआ था, जो बॉम्बे एसोसिएशन इसकी स्थापना 1852 में हुआ था, ठीक है, अगस्त 1852 में हुआ था, यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा, जबकि बॉम्बे एसोसिएशन है इसकी स्थापना अगस्त 1852 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। दूसरा है इंडियन लीग, इसके स्थापना सितंबर 1875 में होता है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद है कि इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जुलाई 1876 में हुआ था, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना मई 1884 में होता है, इसके संस्थापक कौन थे, तो एस रामास्वामी, मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ, जो आपके मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो एस रामास्वामी, मुदलियार, पी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है, उनका नाम क्या है, तो फिरोज शाह मेहता उनका नाम है। यहाँ पर समझिएगा 1885 में जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तैलंग के प्रयास से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन एक में देगा फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन दो में बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन तीन में के टी तैलंग, और ऑप्शन चार में इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, ठीक है, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया होगा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, जबकि बंबई प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये आपके गलत, डब्ल्यू सी बनर्जी ये आपके गलत है। उसके बाद है तैयब जी, ठीक है, तैयब जी, तो कौन कौन गए, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और तैयब जी, तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब होता है, तो 1885 में होता है, और कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कूट से पहचानिए, इसमें से कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना लंदन में किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना लंदन में किया गया था, और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1839 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम एडम थे, ठीक है, विलियम एडम थे, तो आपका तो सही है। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुआ था, तो आपके गलत है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो इसकी स्थापना आपके लंदन में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। उसके बाद है कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में हुआ था, ये आपके पॉइंट ठीक है।
और इसके संस्थापक कौन थे? तो मेरी कारपेंटर और मेनिंग थे। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना आप सभी को पता है कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपके गलत है और उसके बाद ये गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? तो देख लीजिए इसमें कि जो प्रश्नानुसार विकल्प में दी गई सभी संस्थाएं जो है कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित आपके राजनीतिक संस्थाएं थी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना आप सभी को पता है कब हुआ था? 1838 में हुआ था इसकी स्थापना। कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसकी स्थापना 1852 में हुआ था। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। द इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में हुआ था। तो जो भी ये सारे आपके संगठन है इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हुआ था, जबकि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि ठीक पूर्व काल में लैंड होल्डर सोसाइटी अस्तित्व में नहीं थी। इस संस्था को 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में समाहित कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिएगा। बंग भाषा प्रकाशित सभा इसकी स्थापना कब होता है? तो 1836 में होता है। लैंड होल्डर सोसाइटी इसकी स्थापना आप सभी को पता है 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना 1843 में। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। ठीक है, 1875 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। संगठन और संस्थापक के बारे में दिया गया है। जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है इसकी स्थापना इसके द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना जो है एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। सूची एक और सूची दो दिया गया है। जो आपके इंडिया लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1875 में किया गया। 1875 में किया गया है। उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। तो 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ में आपके सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें है कि इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया है। बम्बई एसोसिएशन इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया है। मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना जो है आनंद चार्लो के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो कौन था? राजा शिव प्रसाद आपके साथ में था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब किया गया है?
1888 में किया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सही सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए आपके कौन सही सुमिलित नहीं इसमें है। तो यहाँ पर देखिए, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब किया गया है, तो 1823 में किया गया है। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना 1838 में किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन आपके सही सुमिलित नहीं है। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना 1838 में। जो उसके बाद है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना ये आपके होता है 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 में होता है, ठीक है, 1823 में होता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की है, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। BBI 10 अक्सर लगाइएगा, ठीक है। आपसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, 1784 में किया गया है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकांत देव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। इसमें पहला है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना किया गया है राधाकांत देव के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना जो है तेलंग के द्वारा किया गया है। उसके बाद है कि सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया है। उसके बाद आपका है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न 68th BPSC में पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद जो है कांग्रेस के स्थापना के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।